आप उस फिर वो फिर पोर्नो वीडियो से तर्क कर रहे हैं भोजपुरी गाने को, आप उसके लिए नहीं बैठे हुए हैं इसीलिए आपके पास आए हैं। फिर आप सुनिए, आप वीडियो से सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, आप उस चीज के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप अच्छे चीजों के लिए बैठे हुए हैं इसीलिए आपके पास आए हैं हम, यानी तो तिसाकर मधु के पास हम गए हैं, पूरा भोजपुरी क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। अभी ना करें कि सीखिए भोजपुरी से, तो हम क्या सीखे, कोई आके 10 लाख रुपया देगा कहेगा कि चंदन चंजल को लंगटे करना है, तो आप लंगटे कर दीजिएगा कि 10 साल से मेहनत कर रहा है अब इसको पैसा चाहिए। इंडस्ट्री में एक गाना इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, भोजपुरी में कई लोगों का आरोप है कि वो गाना भोजपुरी को बर्बाद करने की ओर लेके जा रहा है, गाना भोजपुरी को बदनाम कर रहा है और हर तरफ इस गाने को लेके विवाद शुरू हो गया है। हमने पहले भी इस गाने के बारे में बात किया था, गाना का नाम है देवरा ढोरी चटना बा। है ना, और उसी गाना को लिखने वाले महान राइटर पीके आर्यन जी, ठीक है, हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या इनके दिमाग में आया उलूल जुलूल कि गाना लिख दिए और ये गाना पे इतना विवाद हो गया। विवाद हो रहा है हर तरफ जी, विवाद तो पब्लिक नहीं कर रही है, मीडिया के लोग ही विवाद कर रहे हैं। अच्छा। जी तो परेशान हो गए हैं ना, परेशान हम काहे होंगे, मीडिया को बाइट देते देते आप सवाल करिएगा हम जवाब देंगे। अच्छा। चलिए तो डायरेक्ट सवाल ही करते हैं, बकवास करने से कोई फायदा है नहीं। एक लिखने वाला आदमी यानी एक राइटर हमेशा कल्पना करके किसी चीज को लिखता है, किसके बारे में आपने कल्पना करके या किस भौजाई के बारे में कल्पना करके ये लिख दिया कि देवरा ढोरी चटना बा? हम भौजाई की कल्पना तो नहीं किए थे, हम शरीर के किसी अंग के बारे में नहीं बताए थे। हाँ। हम जो हमारे यहाँ होता आया है उसी के बारे में। अच्छा। सोचे कि इस तरह का होता, हम लोग भी जब छोटे थे तो हम भी जाते थे, एक फल होता है गाटा, खाए होंगे, खाए हैं, गाटा खाते हैं और उसका जब बदबू, मुंह से बदबू आता था तो हम लोग मार खाने के डर से ढोंढी चढ़ते थे, डेहरी का जो होता है ढक्कन वही हमारे हाथ लगता था कि कोई देखे भी ना और जल्दी से लेके भागो और चाट के फिर रख देते थे और फिर सो जाते थे। तो अब आपके दिमाग में कहाँ से है कि मतलब वो अश्लील है और क्या है? अब कई आदमी आकर पूछ रहे हैं कि वीडियो में इसे दिखाया गया, तो वीडियो डायरेक्टर तो हूँ नहीं भैया हम। ठीक है आप इरट लिए हैं साहब, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं या दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं या दुनिया को बुर्बक समझते हैं, समझते क्या है ये बताइए। अभी एक साहब हमको मिले थे जो घंघरी में जो है स्वर्ग दिखा रहे थे और घंघरी कह रहे थे कि झारखंड का वो जगह है, माने आम लोग बुर्बक है, ढोरी ढेनी आ देवरा भौजी में समझ में नहीं आता है लोगों को। आम लोगों से पूछे हैं? हाँ, आम लोगों से पूछे हैं, मतलब इतना सारा व्यूवर्स जा रहा है, आपको कल ही के डेट में बता रहे हैं कि 9 मिलियन जो लोग देखे हैं वो बुर्बक हैं, कि पागल हैं कि अपने गांव में बजा रहे हैं। व्यूज कैसे मिलता है ये बताइए, व्यूज देखेंगे तभी ना मिलेगा, देखेंगे तो मिलेगा, तो अच्छा सेंस से देख रहा है कि खराब सेंस से देख रहा है, कैसे पूछिए ना कि व्यूज जो है, सुनिए ना, आप हमको बताइएगा एक एक चीज बताइएगा, लेकिन व्यूज साहब पूर्ण वीडियो पे भी आता है, पूर्ण वीडियो देखते हैं? हाँ एकदम आता है। अगर आपको उससे तुलना आप इसको करते हैं तो पूर्ण वीडियो खुलियाम नहीं बजाया जाता है, नहीं बजाया जाता है, कान में एयरफोन लगाते हैं, जिसको देखना होता है रात को अंधेरे में देखते हैं, देखते हैं ना, तो अगर ये गलत होता ना तो पब्लिक पागल नहीं है कि डीजे पे बजाती। यही तो विडंबना है कि आप पूर्ण, आप कह दीजिए कि पूर्ण बनाना है हमको, उसको लोग प्राइवेट देखे था, आप कह रहे हैं कि भोजपुरी के लोकगीत बना रहे हैं हम, आप लोकगीत बनाए हैं ना, आपके पोस्टर पे लोक गीत लिखा हुआ है ना, तो लोक गीत डीजे पे नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा? तो लोक गीत डीजे पे बजेगा जब डीजे पे लोग एक बार जो सुन लेगा वो अगर देख लेगा कि हाँ ये गाना पोर्न टाइप का, जिस तरह से आप तर्क मिला रहे हैं, अगर उस तरह का लोगों को लगेगा कि ये पोर्न है तो वो तुरंत बंद कर देगा और नहीं बजाएगा। क्या जरूर, अच्छा समाज के बारे में अच्छा नॉलेज है, समाज के बारे में पढ़े लिखे हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं ना, अच्छे बुरे, तो एक आदमी अगर उस गाना को पसंद कर रहा है या उस गाना की वजह से उस पूरे गांव में डेबू डीजे पर गाना बज रहा है तो लोग शर्मिंदा हो रहा है, तो आप करिएगा क्या उस एक आदमी को? अच्छा कहिएगा कि हमको तो अभी एको आदमी नहीं मिला कि जिसको कहाँ से मिलेगा, आपको तो डॉलर आ रहा है, आपको तो स्कॉर्पियो खरीदा रहा है, आपके गायक को मिला ना जी? गायक के मिला कहाँ, गायक अपने पैसे से खरीदा है, कहाँ से कुछ ही करके खरीद लिए, गाना गाया है, गाना यही करके ना, आप जो है ढोरी देवरा ढोरी छील के जो है स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं, यही हिंदू धर्म में यही है ना कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा है, देवर भाभी का रिश्ता ऐसा है ना, हर जगह है,
आप साउथ में जाइए, वहाँ तो मामा मामा का बेटा और बुआ के बेटी से शादी होता है, तो सब जगह का अलग यहाँ का कल्चर क्या है बॉस? बिहार का भी कल्चर नहीं, अच्छा बिहार का कल्चर ये देवर भाभी ढोरी चाटता है, देवर भाभी का ढोरी चाटता है, मजाक करता है, ढोरी चाटता है ना? तो ढोरी के बारे में पहले आप जानिए, आपके गांव में देवर आज से 20 साल पहले जाइए और बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि ढोरी क्या होता है। बॉस 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 अभी आपने सुनिए, आप भटक रहे हैं, अभी आपने सुनिए, जो वीडियो देख रहे होंगे वो जान रहे हैं, शुरुआत में इन्होंने जो है खाने वाला ढोरी का चर्चा किया, बीच में फिर लाइन पर आ गए कि साउथ में ऐसा रिश्ता होता है, बिहार में देवर भाभी, सुन लीजिए, बिहार में देवर भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, अब फिर जा रहे हैं, जो जब भी पकड़े जा रहे हैं बात में तो चल जा रहे हैं फिर से जो है खाने वाला पे। अपना बेवकूफ लोग तो नहीं है, बताइए पीके जी, वो बेवकूफ आप समझ रहे हैं, हमको बेवकूफ समझ रहे हैं या पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये आप जानिए। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक जो बजा रही है तो उनको, एक आदमी अगर गलत, अभी आप बोल रहे थे कि एक आदमी अगर अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ना, एक बात बताइए, आपकी भाभी होंगी? हाँ होगी। आपके भाभी और आप भी एक जगह बैठे रहिए, अब वहाँ ये गाना बजेगा तो पहले खाने वाला ढोरी पर ध्यान जाएगा कि पहले भौजी वाला ढोरी पर ध्यान जाएगा? पहले सच सच बताइएगा, सच सच एकदम। गाना जब बजेगा तो सब लोग डांस करते हैं उस पर, डांस करते हैं, पहले ध्यान कहाँ जाएगा, भौजी वाला ढोरी पे कि खाने वाला ढोरी पे? अब गाना हम हमारा हम मत कीजिए, आप जवाब दीजिए, पहले फिर से सुन लीजिए सवाल, पहले खाने वाला ढोरी पर ध्यान जाएगा या सामने बैठी हुई भौजी के ढोरी पर ध्यान जाएगा? तो भाई भौजी के लगे बैठ के आप गाना बजाएंगे क्यों? अरे आप लोकगीत, भोजपुरी का लोकगीत आप बना रहे हैं, लोकगीत कहाँ बजता है? लोकगीत कहाँ बजता है? हर जगह बजता है, हर जगह बजता है ना, तो वहाँ भौजी बैठा रहेगी, तो आप कह रहे हैं कि काहे भौजी ही बजाइएगा? तो भौजी के पास आप जाकर बजाइएगा तो वो तो करबे करेगी, जनता का गाना बजता है तो सुनिए, घर में हर कोई मौजूद रहता है, भौजी भी मौजूद है, घर के हम अगर टीवी या लैपटॉप पे ये गाना बजा दें तो इसमें आप या पहले बता दीजिए कि घर में बजाने वाला गाना नहीं है, पहले ही बोल दीजिए। नहीं हम बोल दिए हैं बजाने वाला है, लेकिन बजता है, अगर डीजे पे बजेगा तो सब लोग सुनता है। उसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेदार हम हैं, आप हैं ना, हम हैं इसके जिम्मेदार, तो कौन है वहाँ पे जो लोग बजा रहे हैं उनको बोलिए। अरे तो आप बना रहे हैं ना बॉस? हम तो इससे पहले भजन भी बनाए थे, सुनता है लोग ना, तो सुनता है, सुना है लोग, 3 साल में 18,000 व्यू, तो इसके बाद उसमें पैसा नहीं लगता है, 3 साल में 18,000 व्यू हुआ, आई ढोरी वाला का 15-16 मिलियन चल गया, आगे चल के नंगा नाच अगर करिएगा ना तो आओ 25-30 मिलियन चल जाएगा। नंगा नाच करें, त्रिशाकर मधु को जानते हैं? जानते हैं, त्रिशाकर मधु को सबको जान रहा है, फेमस हो गई है, काहे फेमस हो गई है, समझ रहे हैं ना, काहे फेमस हो गई है, तो वैसा कुछ कीजिए ना तो जल्दी आप फेमस हो जाइएगा। क्या हम उसके लिए बैठे हुए हैं? वही तो भाई, आप उस फिर पोर्न वीडियो से तर्क कर रहे हैं भोजपुरी गाने को, आप उसके लिए नहीं बैठे हुए हैं इसीलिए आपके पास आए हैं, फिर आप सुनिए, आप वीडियो से सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, आप उस चीज के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप अच्छे चीजों के लिए बैठे हुए हैं इसीलिए आपके पास आए हैं हम, यानी तो त्रिशाकर मधु के पास हम गए हैं नहीं ना गए हैं, आपके पास अगर आए हैं, तुलना क्यों कर, आप सुनिए, आप भोजपुरी के दर्शक को टारगेट कर रहे हैं, भोजपुरी के दर्शक के लिए गाना बना रहे हैं ना, हम भोजपुरी का दर्शक है ना, तो हमारा हक है ना कि आपके आपसे आके बोले, तो भोजपुरी सेवल भोजपुरी क्षेत्र के बनता है कि मगध वगैरह भी सुनता है? नहीं जानते हैं, अच्छा हाँ सुन रहे हैं, बताइए ना भोजपुरी कहाँ के लिए बनता है? भोजपुरी हर जगह, जहाँ जिसको समझ में आता है, हम पंजाब के लोग, आप ही कैसे पूछ दिया हमसे कि भोजपुरी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप बोले कि भोजपुरी के दर्शक हम हैं, दर्शक है तो जरूरी है कि हम भोजपुरी जाने, आप सुने हैं गाना को? बिल्कुल सुने हैं, कितनी बार सुने होंगे? अरे जितना बार जोन गाना अच्छा लगता है, कोका कोला गाना 20 बार सुने हैं, पर कितना पवन सिंह खेसारी लाल यादव का गाना बहुत बार हम सुने हैं, लेकिन आप ही कैसे कह दिए कि हम भोजपुरी क्षेत्र के नहीं है? हम ही तो नहीं बोले कि भोजपुरी क्षेत्र का, भोजपुरी आप बोल रहे हैं कि आप जानते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप भोजपुरी जानते हैं, आप बोले कि हाँ नहीं जानते हैं, हम ये बोले ना कि हम बोले कि भोजपुरी के लोग से थोड़ा सा सीखिए कि भोजपुरी में क्या क्या कहाँ होता है, उसके बाद अगर तर्क वितर्क करिएगा तो सुनिए। इस साहब कह रहे हैं कि भोजपुरी में जो है देवर भाभी को चाटता है डोरी, आप पूरा भोजपुरी क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, अभी ना कह रहे कि सीखिए भोजपुरी से, तो हम क्या सीखे? तो क्या मतलब हम ही बोले हैं कि देवर भाभी को आप क्या सिखा रहे हैं? सुनिए 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 आर्यन जी, पीके आर्यन जी, अगर कोई दूसरे राज्य का आदमी गाना आपका ही सुनेगा तो वो क्या सोचेगा कि बिहार में देवर भाभी का ढोरी चाटता है? यही सोचेगा ना, बिहार में देवर भाभी का ढोरी चाटता है, बाहर आदमी का जो बाजा गाना ही सुनेगा, कोई अदर स्टेट के लोग यहाँ पे हमारे गाने को सुनते हैं तो वो नहीं जानते हैं कि वो गाना कैसा है।
इंजॉय करते हैं, लेकिन अश्लील कह कह के आप लोग इतना इतना मतलब नीचे गिरा दिए हैं। नाच करे उसको अश्लील लोग नहीं बोल सकता है। आप सुनिए, आप ये बताइए, अरे भोजपुरी का किससे छुपा हुआ है, भोजपुरी के किससे छुपा हुआ है? आप लोग जो भोजपुरी सुनिए, हम इस पे बहस, हम इससे बहस आपके नहीं करेंगे। हम ये आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र का वहाँ का कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री उस क्षेत्र के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है बाहर में, ये बात मानते हैं ना? भोजपुरी का कोई गाना जो बाहर में बज रहा है उसी से बाहर वाले लोग ही समझते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है। अच्छा होगा तो अच्छा होगा, भाई भाई में प्रेम दिखाया जा रहा है तो बाहर का लोग समझेंगे कि बिहार वाले लोग, यूपी वाले लोग जो है भाई भाई में बहुत गहरा संबंध होता है। आप दिखा रहे हैं कि देवरा ढोरी चढ़ना बा, यानी बाहर के लोग यही समझेंगे ना कि बिहार और यूपी में जो है भौजाई का ढोरी चाटता है देवर, यही मैसेज देना चाह रहा है। नहीं तो इससे पहले भजन नहीं सुनते हैं क्या लोग? क्या लॉलीपॉप नहीं बजता है क्या? क्या आप अपना बात कहते हैं? बोलना दीपक दिलदार जी का गाना इंडिया लेवल पे बजा था, सलाई रिंद से चोली खोला था, इंडिया लेवल पे बजा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? ऐसे ही बजा था जैसे आपका बज रहा है। एगो हेलो कौनो है, सुनिए ना, एगो हेलो कौन है जो इंटरनेशनल हिट है? लेकिन बिलियन में भी नहीं बजा, कैसे आप कैसे कह दिए कि नहीं बजा है? केस केस सुना, 900 बिलियन कैसे चल गया, बिलियन पे कैसे जा रहा है, बिलियन में व्यूज लोग देखते हैं यूट्यूब पे। कोका कोला वो भी बजा है? नहीं बजा है तो वैसा गाना कहे नहीं बना रहा है? चैता था वो, बजा है। अच्छा कोका कोला चैता था? हाँ तो नथुनिया क्या था? नथुनिया कहाँ बज रहा है बताइए? नहीं बजा है नथुनिया, हमको तो हम नहीं सुने। मोबाइल है ना उस पे निकाल के उसका व्यूज देखिए कितना। व्यूज से नहीं मतलब है ना, अभी आप बता रहे थे कि हमारा जो हर जगह हर मोबाइल में गलत, आप लोग गलत ठहरा रहे हैं पब्लिक को, जो लोग देख रहे हैं। अच्छा। जो देख रहे हैं वो पागल नहीं है, जो डीजे पे बजा रहे हैं वो पागल नहीं है। हाँ। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और दिखाएंगे कि देखिएगा वहाँ कम से कम 20 गो से ज़्यादा चोंगा लगा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ स्वर दिखाई दिया होगा, दिख रहा है लोगों का, और जहाँ तक नज़र जाएगी खाली स्वर दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कितने लोग बजा रहे हैं, सब लोग अश्लील हैं आपके नजर में? तो सब लोग अश्लील कैसे? बिल्कुल है। सब लोग आप बनाए, हमारे नजर में तो आप अश्लील हैं। तो हमारे नजर में आप अश्लील नहीं है? नहीं। अश्लील यहाँ हर इंसान अश्लील है, और यहाँ पे प्लेस पे पब्लिक प्लेस पे नहीं, सब इंसान। हमसे बहस कीजिएगा ना तो हम एक घंटा तक आपसे बहस कर सकते हैं यहाँ है। बात यहाँ ये है कि आप अपने यहाँ दिल पे हाथ रख के आ कहिए कि वो गाना जो है देवर भाभी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। वो गाना में खाने किसी भी, सुनिए पीके जी, आपसे हमको जमीन का बंटवारा नहीं है, सुनिए आपसे जमीन का बंटवारा नहीं ना है हमारा। तो आप भी इस बात को जान रहे हैं कि उस गाना को सुनने के बाद किसी को भी देवर भाभी का ही रिश्ता सामने आएगा नजर में? आएगा ना, जो लोग नहीं जानते उनको आएगा, नहीं जानते हुए आएगा तो कितना लोग जान रहा है? आप गाना लिख रहे हैं पूरे यूपी बिहार के लिए ना कि अपने गाँव के लिए है? आज आज तो बस आप, हम यही चाहते हैं कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें और कहें कि आपका जिम्मेवारी है भोजपुरी के दर्शकों का टेस्ट बदलना। अगर भोजपुरी के कुछ दर्शक खराब सुनना भी चाह रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि उनका टेस्ट बदले और बढ़िया बढ़िया चीज उनको सुनने का आदत डलवाएं। अभी इसके बाद मेरा कम से कम 10 गो लोक गीत रिलीज हुआ है इंजॉय करने के लिए, चिड़ियाघर रिलीज हुआ है, फिर नीरज निराला के आरो लगा दी राजा जी, अंजलि भारती जी के एक से एक लोकगीत रिलीज हुए, एकदम साफ सुथरा। कहाँ कोई सुन रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है लोग? आपको जो कंपनी बताइए कि हमको, अब हमसे कोई कंपनी आएगी और बोलेगी कि ये लो 5 लाख रुपया चंदन चंचल का हमको गाना चाहिए 5 गो और इसी टाइप का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे कैसे? उसमें चेंज करेंगे। क्यों? मैं 10 साल से जो मेहनत करते आ रहा हूँ और जब मेरे पास, हाँ यही ना करेंगे कि थोड़ा कोई आके कोई आके 10 लाख रुपया देगा, कहेगा कि चंदन चंचल को लंगटे करना है तो आप लंगटे कर दीजिएगा कि 10 साल से मेहनत कर रहा है अब इसको पैसा चाहिए? नहीं, चंदन चंचल कोई भोजपुरी चंदन, सुनिए ना, चंदन चंचल स्टार बनने आया है या पोर्न स्टार बनने आया है ये बताइए। पोर्न स्टार